खस्ता हाल सड़क से ग्रामीण परेशान। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पुटोल गांव में बस स्टैंड से पवन चक्की तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहां पर लंबे समय से सड़क का नामकरण नहीं हुआ। जब पुटोल से मुंडोल तक सड़क का नामकरण हुआ उस दौरान ठेकेदार ने यह 1 किलोमीटर में डामरीकरण नहीं किया। यहाँ पर सीसी सड़क का निर्माण करना था लेकिन ठेकेदार ने यह कार्य अधूरा ही छोड़ दिया और डामरीकरण के दौरान यहाँ पर कहीं कहीं पर डामर लगा दिया जो उखड़ चुका है और वर्तमान में इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस मार्ग पर दिन भर वाहनों की आवाजाही रहती है। साथ ही पुठोल सहित आरना और आसपास के क्षेत्र माइनिंग एरिया में आता है। इस कारण दिन भर भारी वाहन निकलते रहते हैं। सड़क के एक तरफ गड्ढा होने के कारण सामने से आते वाहन गड्ढों से बचने के लिए अक्सर रॉन्ग साइड से निकलते हैं। ऐसे में हादसे का खतरा बना हुआ है। पुठोल चौराहे से लेकर ओली मंदिर तक ये सड़क पूरी टूटी हुई है और जगह जगह से ये सड़क टूट रही है और इसके लिए हम लोगों ने जन सुनवाई के दौरान SDM साहब को और PWD विभाग को इसके बारे में बताया गया था हमारे द्वारा कि भाई इस रोड का पेच वर्क करा दिया जाए या कुछ इसके ऊपर नया डामरीकरण करा के इसको सही करवाया जाए जिससे आम लोगों को तकलीफ ना हो। और बहुत बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं यहाँ पे और ये मेन पुठोल गांव की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे इतनी रोड खराब हो रही है और टूटी हुई है जहाँ पर PWD विभाग को CC रोड का निर्माण करना था उस जगह पर PWD विभाग ने सिर्फ उसकी खानापूर्ति करके उस रोड पर डामरीकरण कर दिया गया जिससे कि वो डामर बार बार उखल जाता है और ऐसी स्थिति हो रही है कि आए दिन लोग यहाँ पर गिर रहे हैं। होली मंगरा तक रोड खराब हुई रो पुटोल रो अड्डी वड्डी एक्सीडेंट हुए वाली संभावना पूरी है। खड़क खोसरा भी रहा है ना तो ठेकेदार सुनवाई करता है और ने ये PWD वाला मतलब जान देता है वाणी हिसाब कोई भी मरीज वाला कहीं दुर्घटना वेला तो क्या या सरकार जिम्मेदार रहला या फिर ठेकेदार जिम्मेदार रहला। बहुत खराब ही रो एकदम रोड ये PWD वाला ने जहाँ पर CC रोड करना था वहाँ पर डामरिंग करके खाना पूर्ति पूरी की थी अभी वास्ते यो जल्दी जल्दी यो काम मेड़ो चाले और ये खड्डा बहुत पड़ रहे हैं और हर बार रोक साइड निकलता और ये बार बार हादसा हो रहा है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जनसुनवाई के दौरान एवं अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को इस बारे में कई बार शिकायत कर दी मगर अब तक PWD विभाग के जिम्मेदारों ने इस सड़क की सुध नहीं ली जिससे आए दिन हादसे का खतरा बना हुआ है।